हिंदुत्व। पिछले कुछ वर्षों से यह शब्द कुछ लोगों का अत्यंत प्रिय बना हुआ है। वैसे वह हिंदुत्व से घृणा करते हैं और इस हिंदुत्व को भारतीय जीवनधारा से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वे मानते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व दो अलग अलग ध्रुवों सभ्यताओं के शब्द हैं जिनका आपस में कोई संबंध ही नहीं है। हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं, सही है ना? और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। यूं 8वीं-9वीं कक्षा का हिंदी का छात्र इन्हें हंसते हुए समझा सकता है कि हिंदुत्व को हिंदू से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे धारा या लहर को नदी से हटाया नहीं जा सकता, दोनों एक दूसरे में घुले मिले हैं। राजनीति में कांग्रेस और उसके समान धर्मा राजनीतिक दल समाज में कांग्रेसी विचारधारा के पोषक मानते हैं कि हिंदू होने का अर्थ है भर्त्सना के योग्य कायरता से भरा हुआ होना, चुपचाप सारी अनीतियां, सारे मजहबी उन्माद, धर्मांतरण अपने पुरखों की धरती से बहिष्कृत कर दिए जाने को सहते जाना और अंत में गांधी नेहरू कर सब कुछ समाप्त कर देना। यह जो पूरी प्रक्रिया या चारित्रिक विशेषता है उसे ही इन्होंने सहिष्णु होना कहा है। इस समाज के प्रवक्ताओं को हम कभी राम, कृष्ण, आदिशंकर, महाराणा, शिवाजी, बाजीराव और इन जैसे अनेकानेक महापुरुषों का उदाहरण देते हुए नहीं सुनते। इनके उदाहरण गांधी से शुरू होकर गांधी और नेहरू पर समाप्त हो जाते हैं। इनसे कोई यह पूछे कि भगवान राम ने दंडक वन में हजारों हजार राक्षसों को हिंदू रहते हुए ही मारा था या मारने के समय कोई अन्य धर्म धारण कर लिया था, क्या उसे हम हिंदुत्व कह सकते हैं? कृष्ण ने इस संसार में माया, मिथ्यावाद, नश्वरता, ज्ञान, कर्म, भक्ति आदि को सैकड़ों शब्दों में व्याख्यायित करते हुए अर्जुन से बार बार अपने ही प्रियजनों को दंडित करने को क्यों कहा? हमने यवनों, हूणों, शकों और बाद में शतियों तक इस्लाम के आक्रांताओं, ईसाइयों से क्यों युद्ध किया और वह युद्ध हिंदू रहते हुए ही किया या हिंदुत्व के साथ किया या किसी अन्य धर्म ध्वजा के साथ किया? हमारा विपक्ष मानता है कि अगर कोई आक्रांत आपके इष्ट का सबसे पवित्र मंदिर ध्वस्त कर देता है तो आपको चुप रहकर सहन कर लेना चाहिए। अगर आपने इष्ट को वहां पुनर्स्थापित करने के प्रयास किए तो आप सांप्रदायिक हिंदुत्व के झंडा बरदार कहलाए जाएंगे। अगर कश्मीर से आपको लतिया कर, बलात्कार कर, गोली दाग कर, आपके घर जलाकर भगा दिया गया तो आप चुपचाप आंख नाक कान बंद कर चले आइए, कहीं टेंट के नीचे रह लीजिए। आपने चूं तक कर दिया तो हिंदुत्व की लपटें फैलने लगेंगी। केरल से बंगाल तक और आंध्र तेलंगाना से तमिलनाडु तक इन मजहबी मोमिनों, ईसाइयों के कुचक्र पर आप चुप रहिए। उत्तर प्रदेश में अतीक मुख्तार आजम जैसे मजहबी गुंडों, माफियाओं के आतंक पर मुंह सिल लीजिए, उन्हें सेक्युलरिज्म का सिकंदर कहिए, टीवी चैनल्स पर उनकी डॉक्यूमेंट्री दिखलाइए, ताली बजाइए, मुगल बादशाह पर रोज अखबार में समाचार छापिए, बाबर को महाकवि, अकबर को महासंत कहिए, इमरान खान के हैंडसमनेस पर मर मिटिए, राहत इंदौरी की चीखती आवाज में शायरी सुनिए। लेकिन ज्यों ही आपने अकबर के बदले महाराणा को अपना आदर्श कहा, आप काम से गए। आपने यूपी के मोमिन गुंडों की धरपकड़ शुरू की, उनकी माफियागिरी पर लगाम कसी, कानून के तहत उन्हें जेल भेजा, संपत्ति कुर्क की, तो हिंदुत्व फैलने लगा। आपके भगवा पहनते ही भारी संकट छा जाता है, अधकटी टोपी लगाने से पूरी मनुष्यता हो जाती है। यह जो वैचारिकी है वह इतनी घृणित, आत्मसंहारी और हमारे धर्म के संकल्पों, उसके मूल तत्वों, उसकी आत्मा अवधारणा से उलट है कि कोई उस पर क्या कहे। यही वो रुग्णता है जो जनरल रावत की दुखद मृत्यु पर हमें हंसना सिखाती है। इसी रुग्णता से हम देश के अलग अलग मंचों पर चढ़कर पूरी निर्लज्जता से कहते हैं कि देश में हिंदुत्व का संकट छा रहा है। इसी निर्लज्जता के कारण हम कभी सावरकर को गाली देते हैं, कभी संघ को, और अभी मोदी योगी की लोकतांत्रिक सत्ता को चुनौती देते हैं। लेकिन इन्हें समझना चाहिए कि देश काल बदल गया है, इन्हें इस विशाल हिंदू समाज का मन पढ़ना चाहिए और इस बात पर मनन अवश्य करना चाहिए कि अनगिनत घात, प्रतिघातों, आक्रमणों, आतंक के युगों को सहते झेलते हुए यह हिंदू समाज क्यों खड़ा रह गया, कैसे इसकी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता जीवंत रही। इसका एक ही उत्तर है कि हिंदू हिंदुत्व को नहीं भूले।